हुकूमत ने साबिक वजीर ई राजेंद्र के खिलाफ दूसरी तहकीकात का आगाज किया है। मेदक जिले के अचमपेट में कमजोर तबकात को औलाद करदा अराजी हासिल करने के मामले में जिले कलेक्टर, फॉरेस्ट और विजिलेंस अहदेदारों के जरिए रिपोर्ट तलब करने के बाद हुकूमत ने मिर्चल मल्काजगिरी जिले में शामीरपेट मंडल के तहत श्री सीतारामा स्वामी मंदिर की अराजी पर कब्जे की शिकायत की जाँच के लिए IAS अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में GORT A1014 जारी किया है। एम रघुनंदन राव IAS कमिश्नर पंचायत राज की क्यादत में तश्कील दी गई तहकीकती टीम में प्रशांत जीवन पाटिल, कलेक्टर नलगुंडा भारती होली केरी, कलेक्टर मंचरियाल और श्वेता मोहंती, कलेक्टर मलकाजगिरी को बतौर अरकान शामिल किया गया। कमेटी से ख्वाहिश की गई है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें। जीओ के मुताबिक मंदिर के अराजी पर नाजायज कब्जों के सिलसिले में हुकूमत को शिकायत मौसूल हुई है। महकमे इंटरमेंट के मुताबिक मंदिर के तहत 1521 एकड़ और 13 गुंटे अराजी मौजूद है। 2 मई को मीडिया के बाज गोशों में साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की जानिब से मंदिर की अराजी पर कब्जे से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया की गई थी। हुकूमत ने इस मामले की जांच का फैसला किया है। वाज रहे कि अचमपेट जिले मेदक के अराजी के मामले में जिले कलेक्टर की जानिब से पेशकर्दा रिपोर्ट में राजेंद्र पर 66 एकड़ अराजी नाजायज तौर पर कब्जा करने का इल्जाम आयद किया गया।